एबीपीएस न्यूज गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का कारवा जनपद भदोही के ब्लॉक अबोली में स्थित बर्जी कला गांव पहुंचा। ग्रामवासियों ने बिमला उपाध्याय को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ के प्रधान के भरकत प्रयासों से यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं बात विकास कार्यों की करें तो मौजूदा हालात में गांव में 123 हैंडपंप, विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 172 सोलर लाइटें गांव में लगी हुई हैं। वहीं वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक्रोड, तालाब, गंगा घाट पर अंत्येष्टि स्थल, आंगनवाड़ी केंद्र के साथ साथ अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 465 इज्जत घरों व 19 प्रधानमंत्री आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सरकारी ट्यूबवेल, विद्यालय के लिए अध्यापक, पशुशाला, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जो श्रीमती विमला उपाध्याय का निजी सचिव हूँ, मेरे ग्राम सभा में विमला देवी द्वारा बहुत से कार्य कराए गए हैं और इनके पुत्र श्री शिवभूषण उपाध्याय जो पूर्व प्रधान हैं रह चुके हैं और जो निम्न श्रीमती विमला देवी के जो निम्न कार्य इन्होंने कराया है जो है कि तालाब की खुदाई आज 163 जो है और स्ट्रीट लाइट लगवाया इन्होंने, सोलर लाइट लगवाया, शौचालय निर्माण कराए, अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण इन्होंने कराया, आंगनवाड़ी जो निर्माण अभी कार्य प्रगति पर है और हैंडपम्प रिबोर जो 11 का सेंसन हुआ है अभी 8 का सेंसन पूर्ण हो चुका है जो कि इस समय 8वां गढ़ रहा है और एक हैंडपम्प नया जो आंगनवाड़ी पे लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य जो इसके पूर्व प्रधान जी कराए थे, खड़ंजा निर्माण विमला देवी ने एक दो ठेक कराए हैं और जो हमारे ग्राम सभा में लगभग 3 किलोमीटर खड़ंजा का निर्माण हो चुका है अब तक और ग्राम सभा में विमला देवी के ही माध्यम से विद्युतीकरण जो ग्राम सभा बर्जी कला गंगापुर मौजा बोलता है उसमें LT का कार्य उन्होंने करवाया और प्रधानमंत्री आवास योजना जो PM आवास बोला जाता है उसमें उन्होंने 19 का लक्ष्य उन्हें मिला था जिसमें 18 उन्होंने पूर्ण करा दिए हैं उनके मैं अपना पूर्ण करा दिया हूँ और उसमें एक अवशेष है जो कार्य प्रगति पर चल रहा है और भूमिगत नाली भी इनके कार्यकाल में कराया गया। हैंडपम्प की संख्या टोटल मिला करके 123 है जो इस इनके पूर्व में भी 22 इंदिरा आवास बन चुके हैं। ग्राम सभा बर्जी कला में बाढ़ के समय पानी से ग्राम सभा पूरी तरह जलमग्न हो जाता है उसकी रोक के लिए बंधी निर्माण कार्य हुआ जो लगभग 2 किलोमीटर कुछ तो पहले हुआ श्री शिवभूषण उपाध्याय पूर्व प्रधान के कार्यकाल में इनके पुत्र हैं और इनके कार्यकाल में लगभग 800 मीटर हो चुका है लंबाई हो चुकी है। बर्जी कला व गंगापुर तराई के लगभग 150 बीघा जो जमीन है वो माफियाओं से मुक्त करा करके ग्राम सभा के जरूरतमंद परिवार को इनके पुत्र श्री शिवभूषण उपाध्याय ने पट्टा जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने पट्टा कर दिए और जो जिससे 150 बीघे से गरीबों को और जिन व्यक्ति को पूजा पट्टा दिया गया है उनसे जो है कि 20 लाख रुपए की लगभग हर सालीना आमदनी होती है और गंगा घाट पर हमारे ग्राम सभा स्थित में ही गंगा घाट पर एक देखने लायक अच्छे दृश्य लायक जो है कि श्री कमलेश्वर महादेव श्री शंकर जी की मंदिर है और तमाम कार्य हुए हैं जो कि श्रीमती विमला देवी द्वारा अभी हम लोग जो है कि 2018-19 का जो कार्य योजना हम लोग बना करके शासन को भेजने वाले हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं मेन रोड से जो बर्जी कला संपर्क मार्ग जो क्षतिग्रस्त शासन द्वारा हम लोगों को शासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल में हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें टीचरों की संख्या कम होने से शिक्षण कार्य में विघ्नें पैदा हो रही हैं और आवाज देखा जाए तो बहुत से हमारे यहाँ आवारा पशुएं टहल रहे हैं जो ग्राम सभा के सैकड़ों बीघा खेती के चारागाह में तब्दील हो चुका है। ग्राम सभा में पानी निकासी हेतु श्रीमती विमला देवी जी का ये भावना है कि 2018-19 में कई ऐसे भूमिगत नाली बनवा दिए जाएं जो कि ग्राम सभा के जितने भी
पानियां हैं वो सीधे तालाब में जाकर के संचित हो जाएं, और जो ग्राम सभा पानी जैसे है एक राकेश दुबे के घर से सीधे तालाब रंगलाल उपाध्याय के घर होते हुए सीधे तालाब तक भूमिगत नाले हो जाए तो उससे सारी समस्याएं जल निकासी की अच्छी ढंग से हो जाएंगी। और दूसरा जो भूमिगत नाली बनवाना है डॉक्टर अवध नारायण उपाध्याय के घर से चौरा माता मंदिर होते हुए सीधे तालाब तक, इससे होगा कि तालाब में पानियां एकत्रित हो जाएंगी पशुओं को पीने योग्य, सभी को पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी की आवश्यकताएं स्थिर रहेंगी अच्छे ढंग से हो जाए। और ग्राम सभा के दक्षिण तरफ हम लोगों की मंशा है, प्रधान जी की मंशा है हमारी श्रीमती विमला देवी की, जो कि सैकड़ों बीघा जमीन परती पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, अगर वहां सरकार द्वारा हमें एक सिंचाई राजकीय नलकूप प्राप्त हो जाए तो उससे सैकड़ों बीघे जमीन में अन्य उपजाऊ होने लगेंगे, खेतियां होने लगेंगी। और शिक्षा हेतु राजकीय स्कूल को, हमारे यहाँ राजकीय विद्यालय है लड़के लड़कियों की, जिसमें लड़कियों की इंटर लेवल की बात है तो इंटर जाने के लिए आगे दिक्कत हो रहा है, अगर हमारे यहाँ राजकीय विद्यालय इंटर हो जाता है तो हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा अच्छे ढंग से होगी। और जो सरकार द्वारा हम मान्यता के लिए प्रेरित होने वाले हैं, मान्यता मिल जाए तो उन लोगों के लिए अच्छी होगी। ग्राम सभा में दो सफाई कर्मचारी हो जाए, जैसे इसलिए कि जितने भी रोडे हैं दर दर कचड़े हो जाते हैं उनको साफ सफाई के लिए अगर दो कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते हैं तो वो साफ सफाई हमेशा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमेशा हर जगह हर कोना हर सड़क हर गली स्वच्छ भारत के अंतर्गत सुंदर लगने लगेगा। और ग्राम सभा के नेट लैस जिसे बोला है कि बोला जाता है पूरा हमारा ग्राम सभा नेट से जुड़ जाए, ग्राम सभा सचिवालय बनाया जाए और इसमें कम से कम दो कर्मचारी कार्यालय कर्मचारी नियुक्त हों और कार्यालय बनाया जाए, कार्यालय हमारे आंगनवाड़ी के बगल या जो है कि वहाँ आपके पंचायत भवन के बगल बनाया जाए, उसमें जो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वो सारी समस्याओं को उपलब्ध कराएं।